और राइट दोस्तों, तो अभी जो वीडियो सीक्वेंस आपने देखे वो मैंने रिकॉर्ड करे है अपने स्मार्टफोन से मेरे इस वाले मोबाइल सिनेमेटिक वीडियोग्राफी सेटअप को इस्तेमाल करते हुए। नाउ ये जो मेरा सेटअप है इसको यूज करते हुए मैं अपने स्मार्टफोन से 4K में सुपर स्मूथ सिनेमेटिक वीडियोज कैप्चर कर सकता हूँ 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना यही सेटअप दिखाने वाला हूँ, क्या कुछ गैजेट या फिर क्या कुछ लेंस मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, क्या कैमरा एप्लीकेशन है, क्या कुछ कैमरा सेटिंग्स में रखता हूँ, सारी कुछ चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ जो कि है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सेटअप है। नाउ इसमें सबसे पहला चीज है मेरा स्मार्टफोन जो कि है Realme 7, जिसके अंदर मैं मैक्सिमम 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट मेरे को 60fps चाहिए तो मैं यहाँ पर 1080p 60fps पर अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ। दूसरा गैजेट है एक 3-axis गिम्बल और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मोजा मिनी MX2 गिम्बल का। आप किसी दूसरे गिम्बल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इस गिम्बल को यूज करने का 3 मेन रीजन है। नंबर 1, ये एक बहुत ही हाई और प्रीमियम क्वालिटी का 3-axis गिम्बल है जिसकी वजह से मेरे जो वीडियो क्लिप्स है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ कैप्चर होता है। नंबर 2, इसमें डबल हैंडेड ग्रिप है जिसकी वजह से मैं अपने गिम्बल के ऊपर अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाता हूं, और एक नॉर्मल 3-axis गिम्बल में जैसा स्टेबलाइजेशन मिलता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्टेबलाइजेशन मुझे इस गिम्बल से मिल जाता है। एंड नंबर 3, मैं यहां पर अपने फोन के साथ एक लेंस का यूज करता हूं जिसकी वजह से मेरे फोन का जो वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज जो लेंस है वो पूरा मेटल का बना है तो वहां पर वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बट ये जो गिम्बल है उस वेट को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद भी कोई इशू नहीं आता, एंड बैटरी बैकअप भी मेरे को अच्छा मिल जाता है, और इसलिए मैं इस गिम्बल का यूज करता हूं। किसी दूसरे गिम्बल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना 3-axis गिम्बल होना चाहिए। और आखिर में आता है मेरा लेंस, और मैं यहाँ पर मेनली 2 तरीके का लेंस का यूज करता हूँ, एक एनामॉर्फिक और एक वाइड एंगल लेंस। ना जो एनामॉर्फिक लेंस है वो क्या करता है कि आपका जो वीडियो है उसको 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करके देता है। ना जो मूवीज, वेब सीरीज या फिर जो एल्बम सॉन्ग्स हम देखते हैं, जो सिनेमेटिक वीडियोज हम देखते हैं, वो सभी 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर किया जाता है। तो अपना जो वीडियो है उसको भी हम 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करेंगे, एंड उसके लिए हमें एक एनामॉर्फिक लेंस का जरूरत होगा। उसके साथ ही एक एनामॉर्फिक लेंस आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरीके की लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करके दे सकता है जो कि आप एल्बम सॉन्ग्स में देखती हो। और मैं यहाँ पर जो एनामॉर्फिक लेंस का यूज कर रहा हूँ वो है एपेक्सल का 1.33x एनामॉर्फिक लेंस। ये एक बजट प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एनामॉर्फिक लेंस है, आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। उसके साथ ही काफी टाइम में एक वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियो में कुछ अलग पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, काफी टाइम जरूरत पड़ता है हमें एक वाइड एंगल लेंस का। सो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एपेक्सल के 170° सुपर वाइड एंगल लेंस का। ये एक वाइड एंगल लेंस है, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा फिश आई इफेक्ट भी है जो कि मेरे को काफी अच्छी क्वालिटी के फोटोज और वीडियोस कैप्चर करके दे देता है। इस लेंस के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। सो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लेंस है, इसी की वजह से मैं इसको यूज करता हूं, साथ ही साथ इसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है। ओके, तो इन 3 गैजेट को इस्तेमाल करती हुई हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम आते हैं हमारे कैमरा ऐप और कैमरा सेटिंग्स के ऊपर। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए जो कैमरा एप्लीकेशन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है फिल्मिक प्रो। ये एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफी सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एंड्रॉइड एंड iOS दोनों ही डिवाइसेस के लिए मिल जाता है। इसके अंदर वो सारे सेटिंग्स अवेलेबल है जो कि एक सिनेमेटोग्राफर को चाहिए प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। मैनुअल सेटिंग, कलर एडजस्टमेंट, ऑडियो मॉनिटरिंग, सारे कुछ चीजें आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब उसके बाद वीडियोग्राफी करने से पहले आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स को अप्लाई करने हैं, जैसे कि नंबर 1 वीडियो रेजोल्यूशन जो कि आपको मैक्सिमम चूज करना है। अगर आपका फोन 4K सपोर्ट करता है तो आप 4K में शूट करिए, अगर 4K सपोर्ट नहीं करता है तो आप 1080p में शूट करिए। उसके बाद जो FPS नंबर है उसको आप चूज करिए अपने सीन के हिसाब से, जैसे कि अगर आप इस तरीके की फेस कैम वीडियो शूट करते हो तो वहां पर आप 24 या फिर 25 FPS का इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर आप कोई एक्शन शॉट ले रहे हो जिसको आप बाद में स्लो मोशन इफेक्ट देना चाहते हो तो वहां पर आप हायर FPS का इस्तेमाल करिए, जैसे कि 60fps या फिर 120fps। तो जैसा आपका सीन है, जिस हिसाब से आप उसको एडिट करना चाहते हो, उस हिसाब से आप FPS नंबर को चूज करिए। FPS नंबर एक अलग ही टॉपिक है, अगर आप इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना। उसके बाद दूसरा जो सेटिंग आपको अप्लाई करना है वो है मैनुअल एक्सपोजर, क्योंकि एक्सपोजर को अगर आप ऑटो में छोड़ देंगे तो हो सकता है ये आपके वीडियो क्लिप को बर्बाद कर दे। तो जब भी आप वीडियो कैप्चर करो मेक श्योर कि आपका जो एक्सपोजर है वो मैनुअली सेट हो, जिसके लिए जो ISO एंड शटर स्पीड है उसको आप मैनुअली एडजस्ट करिए। जो ISO है उसको आप मिनिमम नंबर में रखिए, यानी कि 100 या फिर 200 में रखिए, एंड जो शटर स्पीड है आपके सामने जैसा लाइट अवेलेबल है उस हिसाब से आप शटर स्पीड को एडजस्ट करिए। और एक्सपोजर के साथ साथ आपका जो फोकस है उसको भी आप मैनुअली सेट करिए, क्योंकि स्मार्टफोन का जो फोकस सिस्टम होता है वो उतना कुछ खास नहीं होता है, तो आपका जो फोकस है वो वीडियो कैप्चर करते वक्त हंट कर सकता है जो कि आपका जो वीडियो है उसको बर्बाद कर सकता है। सो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले मेक श्योर कि आपका जो एक्सपोजर एंड आपका जो फोकस है उसको आप मैनुअली सेट कर लीजिए। सो यही कुछ सेटिंग्स आपको अप्लाई करने हैं, एंड अभी आपका जो सेटअप है वो रेडी है वीडियोग्राफी करने के लिए। सो यहां पर आप लोगों के लिए कुछ सैंपल शॉट्स और उसके बिहाइंड द सीन्स जो मैंने सेटअप को इस्तेमाल करते हुए कैप्चर करें।